ici une विपक्ष या पार्टी के लीडरशिप की सुरक्षा का कोई हक नहीं रहता, ना ही विपक्ष के कैंडिडेट की सुरक्षा का क्या है। जिन्हें जैन और जैन प्रेस की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार उन्हें भी जैन और जैन प्रेस दी है। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, अब मैं राजनीतिकरण नहीं कर सकता, जन को खतरा, सरकार मरवाना चाहती है, ऐसी कोई बात पॉलिटिकल नहीं बोलते, लेकिन वह एक कैटेगरी मेरी सुरक्षा है। कहीं भी चुनाव के संदर्भ में देखिएगा तो लगभग जगह सुरक्षा व्यवस्था सही ढंग से चुनाव आयोग ने नहीं कर। सरकार खुद की सुरक्षा चुनाव हो तो फिर कोई बड़ी अप्रिय घटना घटने से आने वाले समय में नहीं हो पा सकता। हालात अच्छे नहीं, बिल्कुल परिस्थिति लीडरों के लिए सरकार की मंशा सही नहीं है। हम चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हैं, वहां क्या कारण है कि कोई पुलिस नहीं थी, इसकी साजिश है लोकल स्तर पर, और हम चाहते हैं कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा चीज, पार्टी ने बहुत गंभीरता से निर्णय लिया, जो ममता आशा जीविका है, संविदा पर बहाली हमारी सरकार जैसे ही आई उनकी तनख्वाह को 9000 रुपया करें, ममता आशा जीविका जो टोला मीट यहाँ मीट का सेवक जो लोग हैं उनको भी किसी भी कीमत पर 3 से 4 हजार रुपया हमारी गवर्नमेंट, जनता और विपक्ष की सुरक्षा उनके लिए उनके एजेंडे में नहीं। करना मुंगेर की घटना या लगातार जो चुनाव के बीच हिंसा बढ़ रहे, कैंडिडेट को मारना और चीजों को, ये परिस्थिति बहुत ही अच्छे हालात नहीं है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जिस तरीके से मेरे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद एक भी सिपाही नहीं थे, बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटित होने से बच गए। फिर मंच पर हम गए, वहां कोई सुरक्षा नहीं, स्वाभाविक है नेताओं के साथ लोग सरना चाहते, तो बार बार बच गई हमारे कैंडिडेट, हमारी छोटी बहन की तरह है देना जी, तो कोई भी घटना घटित हो सकती थी। सिर्फ स्क्रैच अभी तो फर्स्ट एड पेन काफी बड़ा, अभी डॉक्टर से दिखाएंगे, जब वो फूला हुआ है तो निश्चित कहीं ना कहीं हड्डी स्क्रैच है या टूटा है, तो यह कोई दोष नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर की सुरक्षा का लोकपाल विधेयक को हमला, और उस लोकपाल में मुख्यमंत्री भी को भी लाया जाए, तो लोकपाल विधेयक में उन मेंबर को उनको चेयरमैन बनाया जाएगा जो कभी राज्यसभा एमएलसी एमएलए को
रिटायर होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो हिस्सा नहीं, वो फार्मर होगा, मजदूर वर्ग से होंगे, व्यापारी वर्ग से होगा, लेकिन वो लोग होंगे, यूथ से होगा, इंटेलेक्चुअल से होगा, 40% हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा, चुनावी हिस्सा नहीं। चुनाव से साल भर के अंदर तो देश का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉब्लम, लाल कार्ड, सीलिंग एक्ट, एक साल के अंदर पूरी जमीन को हम ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन करते हैं, पूरा टोटल साथ साथ पर्चाधारी को पर्चा एक साल के अंदर मिल जाएगा। खास महाजमी जितना भी है उसको सरकार होल्डिंग क्लियर करेगी और वहां पर गरीबों के लिए हम व्यवस्था करते हैं। खास बात जमीन पर जो लिटिगेशन है, जो कब्जा किए हुए हैं, ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कोई भी ममता आशा जीविका जितना ही हम चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर तो मैं पहले ही कह चुका हूं, आते ही सबसे पहला सिग्नेचर